थर्ड वीट ग्रास के चैनल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो हमने बनाया जब हम अपने किचन गार्डन को एडजस्ट कर रहे थे, ये उस टाइम का बनाया हुआ वीडियो है। पिछले दो तीन महीने हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए अपने किचन गार्डन में। सर्दियों के बाद से जो पौधे सूख गए थे उसके बाद से हमने नए पौधे अब जाकर लगाए हैं। हमारे पास काफी पतली सी बालकनी है जिसमें ज्यादा स्कोप नहीं है पौधे लगाने का, लेकिन फिर भी हम पिछले चार साल से इसके अंदर वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि जगह हमारे पास कम है तो कुछ ही सब्जियां हम इसमें उगा पाते हैं, तो इसलिए हमारा सिलेक्शन उन सब्जियों के लिए रहता है जो हमें साल भर करीब करीब सब्जियां देते रहे और जो उगाने में आसान हो। इसके लिए हमने चूज किया था बैगन, भिंडी और करेला। भिंडी जो है आपके सर्दी के शुरू में स्टार्ट हो जाती है और करीब करीब आपके नवंबर दिसंबर तक भिंडी आप उसे ले सकते हैं। बैगन जो है आपका एक साल नहीं करीब तीन चार साल तक चलने वाला पौधा है। और करेला जो है हम लगाते हैं उसमें हमारा जो ऊपर की स्पेस है, नीचे जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर की जो स्पेस बचती है उसके ऊपर हम उसको छप्पर लगा के उसके ऊपर उसको फैलाते हैं और वहां की स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तीनों वेजिटेबल हैं सर्दी के शुरू में लगती हैं और करीब करीब दिसंबर तक आपको फल देती हैं। दिसंबर जनवरी में बैगन की पैदावार थोड़ी सी कम होती है, मगर वो फिर सेम प्लांट जो है फरवरी से अपने उपज पिकअप कर लेता है। इसमें जो कुछ बैगन आप देख रहे हैं वो करीब करीब तीन साल पुराने हैं, कुछ एक तो चार साल पुराने हैं। हमने एक लाइन जो है इसमें बैगन की लगाई है अक्रॉस द बालकनी, एंड जो दूसरी लाइन आप देख रहे हैं वो हम लगा रहे हैं, हमने जो भी भिंडी लगाई है उसकी भिंडी की लाइन है। और बीच में जो आप पिलर देख रहे हैं उस पिलर के पास एक प्लांट हमने लगाया है करेले का, और जो बिल्कुल बालकनी का एंड देख रहे हैं आप उस एंड पे एक हमारा दूसरा प्लांट है करेले। तो ऊपर ये जो छप्पर है उसमें हम इसको फैलाएंगे। ये देखिए आप करेले का प्लांट आप देख पा रहे होंगे कैमरे के साइड में, जो आप शायद अभी नहीं देख पा रहे होंगे उस वहां पे हमने एक अंगूर की भी लगाई है, वो भी काफी अच्छी खिल गई है। उसमें सर्दी के बाद में काफी इसमें नई खोपले फूटी हैं एंड वी होप कि ये उसका सेकेंड ईयर है तो हमें इसमें कुछ अंगूर खाने को मिलेगा। हम अपने गमले में जो प्रोटीन मिक्स लगाते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट मेन इंग्रेडिएंट्स है। वर्मी कंपोस्ट हमने जैसे लगाना चालू किया तो हमें जो सब्जियों की पैदावार थी काफी अच्छी मिली है। पहले हम लोग नॉर्मल कंपोस्ट लगाते थे उसमें इतना अच्छा उपज नहीं होती थी, वर्मी कंपोस्ट के बाद में जो उपज मिली है वो हमें काफी अच्छी मिली है। और जो दूसरा एक फायदा हमें वर्मी कंपोस्ट के साथ में मिला वो था कि पहले जो हमें डिजीज लगती थी हमारे प्लांट में, बैगन में एफिड्स वगैरह लग जाते थे, पत्तों की कोई डिजीज लगती थी, वो वर्मी कंपोस्ट लगाने के बाद में उस तरह की चीजों में कमी आई है। हम लोग ने पिछले चार साल में किसी प्रकार की कोई केमिकल खाद या पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, क्योंकि केमिकल वाली सब्जियां तो बाजार में मिलती हैं। हमारा किचन गार्डन लगाने का ही मतलब था कि हम लोग अपने घर में ही कुछ उगा के कुछ ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं जो हमारी सेहत को फायदा करें। एंड आप बिलीव करिए, आप इनको अगर नहीं लगाते तो लगा के देखिए, इन सब्जियों का जो स्वाद है वो बिल्कुल अलग लगेगा जो मार्केट से आप लोग सब्जियां लेके आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो देखने धन्यवाद। जो लोग वर्मी कंपोस्ट अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं वो अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ से हमारी वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। मैं गौतम आप लोगों से विदा लेता हूँ।